लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल भी क्रिएट कर लिए, कॉन्स्टेंट भी हम लोगों ने देख लिया, डेटा टाइप क्या लगेगा वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो जिस जिस कंपोनेंट का जरूरत होता है वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर हमको देखना है कि जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी स्ट्रक्चर को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कमांड हम लोग देंगे टू व्यू स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है ना, जो टेबल हमारा डेटाबेस के अंदर में है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे अगर मान लो कि ये पहला दिन आपने काम कर लिया, दूसरे दिन आप जा रहे हो फिर उसे MySQL में काम करने के लिए, प्रोसेस सेम होगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, MySQL में पासवर्ड देकर के एंट्री करेंगे, उसके बाद अब डेटाबेस क्रिएट करने का आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, सीधा यूज कमांड से करेंगे। जो पहले हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, सॉरी डेटाबेस बनाए हुए हैं, उस डेटाबेस में हम एंट्री करना है तो यूज करके और सीधा वो डेटाबेस का नाम दे देंगे, हम लोग उस डेटाबेस में चले जाएंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर टेबल का हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड होगा वो है हमारा MySQL, है ना, उसके लिए डिस्क्राइब, आप पूरा लिख सकते हो या फिर DESC लिखोगे और टेबल का नाम, जिस टेबल के स्ट्रक्चर को आप देखना चाहते हो। तो ये क्या हो गया आपका सिंटैक्स हो गया, है ना। अब एग्जांपल, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट किया था, है ना, तो उसको देखने के लिए हम DESC एम्प्लॉय दे देंगे तो ये हमारा सारा उसमें क्या क्या दिखलाएगा, कॉलम नेम दिखलाएगा, उसका डेटा टाइप दिखलाएगा और उसका कॉन्स्टेंट दिखला देगा। ठीक है ना, डेटा टाइप, साइज, और पहला कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड साइज, और फिर क्या कॉन्स्टेंट, ये दिखला देगा। ठीक है ना, इसके बारे, इस एम्प्लॉय के बारे में। अब हम लोग चाहते हैं कि उस टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना, ठीक है ना, तो चेंजेस करने के लिए हम लोगों के पास DDL का दूसरा कमांड है जिसको हम लोग अल्टर टेबल कहते हैं, है ना, अल्टर टेबल कमांड, ठीक है, तो दूसरा उसका है अल्टर टेबल। ठीक है ना, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज इस स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है ना, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, चेंज करने के लिए बोला गया। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या ला सकते हैं। पहला, एड अ न्यू कॉलम, ठीक है, एड अ न्यू कॉलम, कॉलम को ऐड कर सकते हैं। नंबर टू, एड रिमूव अ कॉलम, ठीक है। तीसरा, चेंज नेम ऑफ द कॉलम, कॉलम के नाम को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नंबर फोर अपडेट कर सकते हो, यानी कि उसका डेटा टाइप कर सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एड
कॉन्स्ट्रेंट जो हम बताए थे, प्राइमरी की, फॉर प्राइमरी की, यूनिक की, डिफॉल्ट, है ना, ये चेक कॉन्स्ट्रेंट, इन सब में अगर मान लो कोई आप स्ट्रक्चर को क्रिएट करते समय नहीं दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हम अल्टर कमांड के द्वारा हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, ऐड कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद आप इसको लगे हुए को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग अल्टर कमांड, अल्टर टेबल कमांड के मदद से कर सकते हैं। अब इसमें से एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एड अ न्यू कॉलम। ठीक है, एड अ न्यू कॉलम। ठीक है, तो पहले इसका सिंटैक्स देखें, कैसे इसको यूज करेंगे, सिंटैक्स। ठीक है, MySQL अल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, और उसका डेटा टाइप ब्रैकेट में साइज, और चाहे तो आप यहां पे क्रिएट करते समय अगर कॉन्स्टेंट भी लगाना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट सिंटैक्स हो गया जब हम किसी एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो, ये हो गया पहला। दूसरा कि अगर आप एक साथ में 2-3 कॉलम को ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ब्रैकेट ले लेना, कॉल नेम 1, इसका डेटा टाइप, इसका साइज, कॉमा, कॉल नेम 2। ठीक है, और उसका डेटा टाइप दूसरे कॉलम का, और फिर साइज, और इस तरह से करके और भी आप लगा सकते हो, एंड देन सेमी कॉलम। यानी कि हम जो ये ऐड कॉलम कर रहे हैं, दो काम कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स एक साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल कॉलम को एक साथ में ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप एक स्ट्रक्चर दिमाग में रख लो, ठीक है, टेबल का, जिसमें हम लोग फर्दर काम करते रहेंगे, क्या ऐड करें, क्या कॉन्स्टेंट, ये सभी। देखो एक टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर में हम लोग ये कॉलम ले रहे हैं, ENO, ई नेम, ठीक है, और DOB, और एक ले लेते हैं सैलरी। ठीक है, ये टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम इस टेबल का नाम एम्प्लॉय और ये सभी कॉलम हो गया, इसमें एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, टू एड अ कॉलम एड्रेस। ठीक है, डेटा टाइप जिसका होगा, डेटा टाइप होगा वेर कैर, साइज होगा 30। ठीक है, और साइज क्या होगा 30। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लोग कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल और एम्प्लॉय। ठीक है ना, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद क्या था, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या बतला रहा है, एड्रेस। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या बोल रहा है, वेर केयर, और उसका साइज क्या बोल रहा है, 30, सेमी कॉलम। हो गया, जब ये कमांड आप दोगे तो नीचे आएगा वन रो क्रिएटेड या वन रो अपडेटेड।
फिर जब आप ये देखना चाहते हो कि क्या ये कॉलम हमारा इस टेबल में ऐड हुआ या नहीं, तो उसके लिए हम लोग फिर से आपको कमांड लगा दो, कौन सा? DESC और employee। तो जैसे ही ये लगाओगे तो इसके जो स्ट्रक्चर्स, जो नए स्ट्रक्चर बने, जो अपडेटेड स्ट्रक्चर हुआ जिसमें कि एड्रेस भी एक कॉलम होगा, वो यहां पर आकर के आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। ये आपका बन गया, यानी कि वो कॉलम उसमें जाकर के ऐड हो गया। अब हम चाहते क्या है कि इस कॉलम का नाम चेंज करना, ठीक है ना। टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम, दूसरा देखो, टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम एड्रेस टू होम अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है, नाम चेंज करना है, ठीक है, तो कर देंगे। कैसे? तो लिखेंगे MySQL alter table employee, alter table employee change कमांड लगेगा, और क्या लिखेंगे? पुराना कॉलम का नाम क्या? एड्रेस, उसके बाद स्पेस, बीच में स्पेस होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे? नए वाले कॉलम का नाम, ठीक है, और उसके बाद जो इसका डेटा टाइप था वही डेटा टाइप इसमें भी डाल देंगे। तो वेयर केयर और साइज 30 लिए थे, 30। अब क्या होगा? फिर आप ये कमांड देना। अब जब फिर ये कमांड आप दोगे तो आपको स्ट्रक्चर में एड्रेस के जगह पे होम एड्रेस दिखेगा, यानी कि अब ये यहाँ पे आएगा होम एड्रेस। अब हम चाहते हैं कि इसको रिमूव कर देना, हटा देना, ठीक है ना। तो जब हम इसको हटा देना चाहते हैं तो देखो सिंपल है, कैसे करेंगे? लिखेंगे ड्रॉप टू रिमूव अ कॉलम एड्रेस, हो गया, टू रिमूव अ कॉलम एड्रेस, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम एड्रेस, ठीक है। तो ये कॉलम से रिलेटेड कैसे उसको हम नए कॉलम को हम क्रिएट करते हैं, नए कॉलम को उसका या फिर उसमें कोई भी कॉलम का नाम हम कैसे चेंज करते हैं, उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, ये सारी चीजें बताएं। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि हम लोग कॉन्स्टेंट कैसे लगा सकते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।